ये केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर संभव है, क्योंकि हम लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं और जनता को जनार्दन मानकर के उसकी सेवा करते हैं। और जनता को जनार्दन मानने की यह शक्ति ही है कि कोरोना के खिलाफ उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता ने सफलतापूर्वक इस लड़ाई को लड़ा है। और मैं आज जब आपको संबोधित करने के लिए यहां पर आया हूं, एक बार फिर से आपसे कहूंगा कि भाइयों बहनों, अभी हमने विजयदशमी का आयोजन परसों संपन्न किया है। आदिशक्ति मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का पर्व नवरात्रि के कार्यक्रम हमारे संपन्न हुए हैं। पर्व और त्योहार की लंबी श्रृंखला चल रही है। दीपावली आने वाला धनतेरस दीपावली आएगी, लेकिन हम सबको जब तक दवा हमारे पास स्वयं नहीं पहुंच जाती है, वैक्सीन जब तक हमारे पास नहीं पहुंच जाती है, तब तक कोई भी लापरवाही नहीं करनी, तब तक बचाव ही हमारे लिए सर्वोत्तम उपाय है। और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा अपील देशवासियों से की गई कि दो गज की दूरी मास्क है जरूरी, इसका पालन जरूर करें। कोरोना कालखंड में हमारी लड़ाई का आधार यही था, बचाव, और बचाव के बीच में राहत का कार्य संपन्न करना। गरीबों को राशन मिलना चाहिए, गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत हर गरीब के लिए अलग अलग प्रकार की सुविधाएं, जनधन अकाउंटधारी प्रत्येक खातेदार के खाते में 500-500 रुपए की हर महीने राशन के अकाउंट में जाने की व्यवस्था हो, चाहे 2000 रुपए हर किसान के खाते में भेजने की व्यवस्था, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन या दिव्यांगजनों की पेंशन समय से देने के साथ साथ 1000 रुपए के तृतीय राशि वहां भेजने का हो, या फिर निर्माण श्रमिक और जितने भी पटरी व्यवसायी थे, प्रवासी कामगार और श्रमिक थे, इन सभी के खाते में भी भरण पोषण भत्ता के साथ साथ इनको राशन की सुविधा की गारंटी देने का कार्य यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही संभव हो पाया है। कितना अंतर आया है, एक सरकार वह थी जो कहती थी कि हम 100 रुपया भेजते हैं लेकिन गरीब के पास तो 10 रुपया ही पहुंच पा रहा है, 90 रुपये उनके साथ के चाटुकार खा जाते थे, उनके साथ में बिचौलिए खा जाते थे, लेकिन भाइयों बहनों ये मोदी जी के समय संभव हो पाया है। 100 रुपये की राशि किसी गरीब के लिए आती है, वह पैसा सीधे गरीब के खाते में जाकर के गरीब उसका नाम ले सकता है, बीच में कोई भी मध्यस्थ नहीं, बीच में कोई बिचौलिया नहीं, बीच में कोई उस पैसे को डकारने वाला दलाल नहीं है। ये कार्य भारतीय जनता पार्टी ही करके दिखा सकती है। याद करिए, कांग्रेस की सरकार थी, सपा बसपा दोनों से समर्थन कर रहे थे, और तब कांग्रेस की सरकार घोषणा करती थी कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसका। लेकिन आज ऐसा नहीं, आज तो बोला जाता है इस देश के अंदर देश के संसाधनों पर देश के गरीब का अधिकार है, गरीब किसान का अधिकार है, नौजवान का अधिकार है, महिलाओं का अधिकार है, सबका साथ और सबके विकास के नारे को फलीभूत करने की कार्रवाई चल रही है। हमने उत्तर प्रदेश में 3 वर्ष के अंदर 3 लाख नौजवानों को नौकरी दी, किसी की जाति, किसी का मत और किसी का मजहब नहीं देखा। 30 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध करवाए, किसी की जाति, किसी का क्षेत्र, किसी का मत और किसी का मजहब नहीं देखा। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाया, किसी की जाति, किसी का मत और किसी का मजहब नहीं देखा। 1 करोड़ 24 लाख गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन और विद्युतकरण की योजना का लाभ दिलाया, किसी की जाति, किसी का क्षेत्र नहीं देखा। 46 लाख गरीबों को रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराए, किसी की जाति, किसी का मत और मजहब नहीं देखा। प्रदेश के अंदर हर गरीब को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया। हर गरीब कन्या के लिए शादी ब्याह के लिए सामूहिक विवाह की योजना चलाई, किसी की जाति, किसी का मत और मजहब नहीं देखा, क्योंकि हमारे लिए तो
उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता ही परिवार है और इसकी सुरक्षा, इसकी सुविधा और इसकी समृद्धि हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य को ध्यान में रखकर के हम लोगों ने कार्य किया। भाइयों बहनों, उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार की अराजकता के लिए जगह नहीं, तमाम प्रकार की बातें लोग करते थे, बड़े बड़े दंगा फसाद करके प्रदेश के अंदर व्यवस्था को अस्त व्यस्त करते थे, नष्ट करते थे। आपने देखा होगा 3.5 वर्ष के दौरान कोई दंगा प्रदेश में नहीं हुआ, और किसी ने किया तो हमने कहा कि भाई अगर तुमने जो है नुकसान किया है तो मैं इसकी भरपाई भी करूं, तुम्हारे मकान को ही बेच करके हम इसकी भरपाई कर लेते हैं। उनके पोस्टर लगाने के कार्य भी किए, और आज फिर मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर कोई चौकसी करेगा तो जेल के अंदर उसको जाना ही पड़ेगा। तो माता की रक्षा हर हाल में करेंगे। हमने हर जनपद के लिए गौशालाएं बनाने के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई है, गौ माता के लिए आश्रय स्थल उपलब्ध कराए हैं, भरण पोषण भत्ता की व्यवस्था भी की है। लेकिन अगर कोई गौ कसी करेगा तो सरकार कानून के दायरे में सख्ती से निपटने का कार्य करके जेल के अंदर ठूंसने का कार्य भी करेगी। इसमें गौ माता की रक्षा के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ भी नहीं होने देते। भाइयों बहनों, विकास की प्राथमिकता को ध्यान में रख करके जहां एक और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता जनार्दन को प्राप्त हो, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना कालखंड के दौरान भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। आज सुबह ही पटरी व्यवसायियों का लगभग 2,70,000 से अधिक पटरी व्यवसायियों को 10,000 रुपए प्रति पटरी व्यवसायी का लोन उन्हें स्वीकृत करा करके, उन्हें वितरित करवा करके प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन दिलवाने के बाद फिर मैं आपके यहां के लिए प्रस्थान किया हूं। आप अनुमान कर सकते हैं 2,74,000 पटरी व्यवसायियों को पहली बार इतनी बड़ी सुविधा का लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण प्राप्त हुआ, यानी 14 लाख गरीब सीधे सीधे शासन की योजना के साथ जुड़ा है। और शासन की योजना के साथ जुड़ने का मतलब हमने उतने गरीबों के चेहरे पर खुशहाली लाने का कार्य किया। उत्तर प्रदेश का नौजवान पहले नौकरी के लिए भटकता था, क्योंकि नौकरी कोई परिवार और कोई जाति के लिए गिरवी रख दिया जाता था, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया जाता था, एक एक नौकरी की बोली लगती थी। और पिछले 3 वर्ष के अंदर हुई जितनी भी भर्तियां हैं किसी भी नियुक्ति पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। योग्यता क्षमता के आधार पर हर नौजवान को नौकरी की गारंटी देने का कार्य प्रदेश के अंदर सरकार कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का नौजवान की ऊर्जा उसकी प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, उत्तर प्रदेश समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। तो भाइयों बहनों, देश विकास के पथ पर अग्रसर होकर के दुनिया की एक महाशक्ति बनेगा। हमने तो विकास भी किया है, हमने सुरक्षा का वातावरण भी पैदा किया है। बड़े माफिया और गुंडे पहले राजनीतिक दलों की शोभा बढ़ाते थे, आज बड़े बड़े गुंडे और अपराधी जिन्होंने गरीबों की व्यापारियों की संपत्तियों को कब्जा करके, अवैध संपत्ति कब्जा करके बड़े बड़े महल नुमा अवैध इमारतें खड़ी कर दी थी, आज प्रदेश सरकार का बुलडोजर जब उन पर चलता है एक गरीब की आस नहीं जगती है कि अब यहां पर मेरे लिए प्रधानमंत्री आवास बन पाएगा और मैं भी पक्के मकान में रह पाऊंगा। और नहीं तो जहां भी कोई सार्वजनिक संपत्ति देखी, किसी व्यापारी की संपत्ति देखी, किसी गरीब की संपत्ति देखी, किसी धर्मस्थल की संपत्ति देखी, पिछली सरकारों में गुंडे टूट पड़ते थे, संपत्ति पर कब्जा कर लेते थे और फिर प्रदेश सरकार के मंत्री और प्रदेश सरकार का मुखिया उन्हें सम्मानित करता था गुंडों के साथ जी हजूरी करते थे। आज तो गुंडों के अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का कार्य प्रदेश सरकार कर रही है, जिससे हर गरीब को हम सुरक्षा का
एक स्पष्ट संदेश दे सके कि नहीं, प्रदेश की 24 करोड़ जनता की जिम्मेदारी हमारा जवाबदेही है और हम इसके साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। भाइयों बहनों, जहां एक और प्रदेश के विकास के लिए सुख और समृद्धि और सुरक्षा के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य हो रहा है, आपने देखा होगा पहले इसी प्रदेश में महीनों महीनों दंगे होते थे। पिछले 3.5 वर्ष से तो आपने कोई दंगा प्रदेश में नहीं देखा होगा, होगा भी नहीं, क्योंकि दंगाइयों को मालूम है कि अगर दंगा किया तो कहां जाएंगे, क्या स्थिति होने जा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, आपने जरूर देखा होगा जो नारे हम लोग लगाते थे 1952 से, एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। एक देश में एक प्रधान, एक निशान और एक विधान की परिकल्पना को मोदी जी ने और अमित शाह जी ने साकार कर दिया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, कश्मीर से धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त किया है।